हो। क्यों उठ गए? सब सत्यानाश कर दिया। ये जूसर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि किचन का प्लग खराब है। वैसे थैंक्स बोली भाई साहब। थैंक्स क्यों? तुम्हें उठा भी दिया और तुम्हारे लिए जूस भी निकाल दिया। जूस बाद में, पहले यस। अरे भाई साहब, ये पटियाला नहीं है जो किक लगाई और पहुंच गई यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली है दिल्ली। यूनिवर्सिटी पहुंचने में पूरा 1.5 घंटा लगेगा, समझे? अरे आप पे तो मेरी बात का असर ही नहीं हो रहा है। रानी, जिसे मैंने सपने में देखा है उसे कैनवास पे तो उतार लूं बाबा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस यस बस कुछ नहीं, जल्दी से जूस पी के तैयार हो जाओ। देखो पापा नीचे पहुंच गए, बहुत गुस्सा करेंगे। कोई फोन ऑन तो कर दिया होता, आने की खबर दे दी होती, सीधा अटैक। ऐसा अटैक तो 1971 में पाकिस्तान ने हम पर हमला करके दिया था। भाई ब्रिगेडियर साहब, सत श्री अकाल जी। 71 की लड़ाई के वीर चक्र विजेता हैं आप भाई, रिहा करवाइए अपने निर्दयी समधी से। गन पॉइंट पर लेकर आए मुझे आपके पास, कहते हैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब आइए आइए, कीजिए ना कीजिए। तशरीफ रखिए। भार्गव साहब को तो मजाक करने की आदत है ब्रिगेडियर साहब। दरअसल बात यह है कि रानी बेटी को जितनी जल्दी हो सके हमारे घर की बहू बना दीजिए। ओ सुनामन, सच्चर साहब यहाँ क्यों आए हैं? ये रानी को जल्दी से जल्दी अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रानी दीदी, जल्दी नीचे आइए, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, आपकी शादी की तारीख तय आने वाली है। लीजिए, सुन लीजिए मोहतरमा, मेरा तो खैर जो होगा सो होगा, आपका नंबर तो लग भी गया, लेकिन मैं बताऊं आपको, आपकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। पापा उनके साथ डेट फिक्स करने के चक्कर में पूरा डिसिप्लिन सिखा देंगे उन्हें। ये बात बिल्कुल आउट ऑफ डिसिप्लिन है, ये हमें पसंद नहीं आई। मेरा होने वाला दामाद आपके यहाँ बैठा है, सच्चा साहब आप उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? जी बात ये है कि वो क्या था ब्रिगेडियर साहब के, सच्चा साहब कहते हैं कि शादी से पहले। आप भी कमाल करते हैं सच्चर साहब, ये 47 नहीं 84 है, और दिल्ली है गांव नहीं, जहां शादी से पहले लड़का लड़की के घर आए तो लोग बातें करने लगेंगे। भार्गव जगह गुरसेवक को लेकर आओ। पापा सॉरी। सत श्री अकाल सच्चर साहब। नमस्ते भार्गव अंकल। नमस्ते बेटा, मैं सर आपसे पूछने ही वाला था पंजाब के हालात के बारे में, पर एक ही महफिल में एक को सत श्री अकाल और दूसरे को नमस्ते। मैं समझ गया बेटा पंजाब के हाल क्या है। मैं गुरुसेवक को लेकर आता हूं। ओ भार्गव, भार्गव तुझे। सुनो जी, नाश्ता लग गया, चलिए। ये बात सच है, चंद लोगों की काली करतूतों और हमारी नादानियों की वजह से क्या हो गया पंजाब जी। कभी देश का अन्नदाता रखवाला कहलाने वाला, आज दहशत गर्दों की पनाह बनकर रह गया है। अब खेतों में फसलें नहीं, मौत नाचती है सच्चर साहब। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि खतरनाक होंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेंपल में हुआ, लेकिन जिस जगह से प्रेम और प्यार की बजाय मौत के पैगाम जारी हो तो यहां तक नौबत आने ही क्यों दी? हथियारों से भरे ट्रक वहां पहुंचे कैसे? सरकार को नजर नहीं आ रहा था जानबूझकर अंकल उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। आप लोग देख लीजिएगा, आज सियासत की इस गंदी शतरंज ने पंजाब को बर्बाद किया, कल पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। अपनी लियाकत अपने पास रख, जिस बात का तुझे पता नहीं उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को। सरबजीत जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? वो पढ़ाई का नारियल तो आज तोड़ना था अंकल। यूनिवर्सिटी की क्लासेस तो आई थिंक 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है जी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से अंकल हमारे एग्जाम लेट हो गए, रिजल्ट भी लेट निकले, एडमिशन भी लेट हो गई। अरे गुरसेवक। सत श्री अकाल जी। ओए मैं तेरे कान खींचू अब। तू हमारा फैमिली मेंबर होने वाला है, पड़ोस में जाकर बैठ गया। भाई ये कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ। कैसे हो गुरसेवक? आओ बैठो। आप भी बैठो। नहीं मैंने जाना है अंकल, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बाय गुरसेवक, बाय भार्गव अंकल, बाय अंकल। कुछ खा के तो जाओ। ओहो माँ, बाद में खा लूंगा, अब सिर्फ बस इतना ही, बाय। अच्छा तो ब्रिगेडियर साहब,
अब तो लड़का लड़की इसी घर में मौजूद हैं। अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए कि शादी कौन सी डेट को करनी है। डिसिप्लिन के हिसाब से तो 1 नवंबर ही ठीक रहेगी। God. अगर गलत इसी किसी से टकरा जाए तो oh my God, नहीं, sorry कहते हैं। I am sorry. मेरा इरादा आपको गिराने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि सामने कोई खूबसूरत मंजर हो तो पाँव से पाँव क्या नजरें भी उलझ जाती हैं। मैंने कहा खूबसूरत मंजर, पाँव से पाँव, नजर से नजर, क्या बकवास ये? बकवास नहीं जी, ये आपने मुझसे कहा था। मैंने कहा था? हाँ, हाँ, और आपने ये भी कहा था कि आप मेरी सोच को उस हद तक ले जाएंगी जहां तक मैं ले जाना चाहूं। पागल? पागल? ना 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 ना, सर्वजीत सिंह है मेरा नाम और मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करवाकर यहां एडमिशन ली है। पटियाला घराने के गायक तो सुने थे, पागल पहली बार देख रही हूं। जाओ जाके इलाज करवाओ। ये सचमुच में कहीं मुझे पागल तो नहीं समझ रही है? ओह, अरे अरे सुनिए, जी मुझे जर्नलिज्म के नोट्स मिलेंगे। हाँ हाँ, why not? Okay, bye. अरे सुनिए सुनिए, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो नहीं, नहीं, थैंक यू। किस बात का? थैंक यू नहीं, सॉरी कहना था, आई एम सॉरी। अजीब इंसान। ओके बाय बाय। अरे भाई फिर से इतनी बुरी तरह से किसे ढूंढ रहे हो जो बार बार टकरा रहे हो? वो मैं। अरे बस बस बहुत हो गया, वो मैं। कौन हो, क्यों हो और किस लिए आए हो यहाँ? वो मैं। क्या यार हद हो गई, फिर वो मैं। आई एम सॉरी, मेरा नाम सरबजीत सिंह है। अच्छा। असल में मेरा आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। अच्छा, जब मैं आपसे टकराया था, पहली बार टकराया था, तब आपके साथ एक लड़की बात कर रही थी, वो कौन है? क्यों? जनरल नॉलेज के लिए पहला देना ना, जनरल नॉलेज। हाय हाय, अजीब किस्म की जनरल नॉलेज हासिल कर रहे हो। वैसे वो जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, अच्छी है, अच्छा विषय है जर्नलिज्म। मैं एमए म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ। लेकिन आज तो सारी क्लासें खत्म हो गई, कल सुबह 10 बजे पहुँच जाना, कैंपस में फेस्टिवल के लिए सिंगर की तलाश जारी है। अच्छा अच्छा, सिंगर की तलाश। चढ़े आ रहे हो यार, बहुत हो गया। ओके भाई। अरे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या है? तेजिंदर सिंह मान फ्रॉम कानपुर। थैंक्स अगेन। आई एम सॉरी। तुझे नहीं लेके जाऊंगी, समझा? मत ले जाना, पकड़ रानी। अरे भैया, मैंने बहुत नहीं, ऊपर चल, अरे अरे भैया, जल्दी। बड़े भैया को आजकल क्या हो गया है? अरे ओहो ओहो, क्या इस लड़की को आज मैंने यूनिवर्सिटी में देखा। तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो होना ही था। हाँ, इसके आगे कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। खामखा मेरी सब्जी गिरा दी। आगे इसके आगे, इसके आगे क्या होगा? क्या हुआ कुसुम? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने छुआ। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। चिन्नू, प्लीज स्टॉप इट। तो जी के, अरे क्या, चलो हटो, क्या कर रहे हो ये? अगर आप सबका टेस्ट हो चुका है, चिन्नू जी आखिरी थे, तो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आई थिंक द टेस्ट इज ओवर नाउ। आप इसे रोकते क्यों नहीं? देखिए नहीं, सबके सामने मेरा नाम लेके गा रहा है। अरे हाँ, कौन हो तुम भाई? जी मैं वो सरबजीत सिंह जी। अच्छा गा लेते हो, गाओ। गाऊं जी? अच्छा जी। लेकिन मैडम ये मेरा नाम ले रहा है,
कह रहा है मुस्कान खूबसूरत है। तो मैंने गलत कहा। क्या कहा? I'm sorry, मुझे नहीं पता था आपका नाम मुस्कान है। मैम, मुझे जान के मुकाबले मुस्कान मीटर में ज्यादा फिट लगा, मैंने गा दिया। वैसे मुस्कान खुशी का एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है, इसमें इतना बुरा मानने की बात तो नहीं है। यस यस, मुस्कान ये सही है। अरे गाओ गाओ। हेलो, गया काम से। भाई साहब, समोसा मेरा है, आज की आपकी है। सॉरी। चल यहां से चलते हैं। हाँ चलो। क्या आ रही है? अरे बहुत तंग आ गया भाई। हाँ सही करने तो जा रहा हूँ, मेरी जान देखना अभी करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? आप ऑलरेडी मेरे साथ चल रहे हैं मिस्टर। नहीं, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हैं। ये असल में ऑलरेडी के बाद का है। अच्छा जी, अगर आप इन वेस्टर्न ड्रेसेस की जगह पे शलवार कमीज पहना करें, बहुत खूबसूरत लगती हैं आप हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल कपड़ों में। देखिए मिस्टर सरबजीत सिंह, आप जो भी हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कभी इंडियन क्लोथ्स पहने ही नहीं और ना ही आगे पहनने का कोई इरादा है। ओके। आपने मुझे कब देख लिया इंडियन क्लोथ्स में? सपने में। ओह माय गॉड, रहने वाले पटियाला के हैं लेकिन लड़कियों को पटाने की डिग्री सीधी लंदन से लेकर आए। आपके पास क्या सबूत है कि मुस्कान आपके सपने में आई थी? सपनों के सबूत होते तो सपने सपने ना होते, हकीकत होते। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि ख्वाब तो सिर्फ अपने होते हैं, दूसरों से इनका कोई वास्ता नहीं होता। आई एम सॉरी। पंडित जी। जी पंडित जी, स्टोरी तो अच्छी है जी, लेकिन लग रहा है इसे दोबारा प्रेजेंट करना होगा। ऐसे लग रहा है जैसे हम पंजाब के टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। चावला साहब, सिर्फ बात सुनने पर स्ट्रेस है, उसको जस्टिफाई करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। पंडित जी, लेकिन पहले वो कत्लेआम तो बंद करें, उनकी बातें तो तभी सुनी जा सकती है। ये सही कह रहे हैं। नमस्ते चावला अंकल। ओह नमस्ते नमस्ते मुस्कान बेटा, तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैं आपके अखबार में एक इश्तिहार देने आई हूँ कि मेरे पिताजी पंडित जुगल किशोर शर्मा कई महीनों से घर से गायब हैं। ओह मैं समझ गया बेटी। क्यों पंडित जी, मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इतनी खूबसूरत बेटी को वक्त तक नहीं देते? बात ये है चावला साहब, पंडित जी एक पुलिस ऑफिसर आए हैं, मैंने उन्हें चावला जी के कमरे में बिठा दिया है। गुड। अच्छा ठीक जी। सुनो मिस्टर बाली जी, ये प्रायोरिटी पर है एपी न्यूज़, इसे चेक कर लेना। राइट सर। हाँ ये मैं जरा उनसे मिल लेता हूँ चावला साहब। ओके चलो बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, बहुत खूब जच रहे हो इस वर्दी में। सब आप ही का आशीर्वाद है, तुम्हारी मेहनत का फल है बेटे जो आज तुम इस वर्दी में। हाय नरेंद्र, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नरेंद्र जी, यह है मिस्टर आरएस चावला, हमारे चीफ एडिटर, और ये नरेंद्र है, अभी अभी आईपीएस की ट्रेनिंग से लौटा है। ओह नाइस टू मीट यू नरेंद्र। same here, same. वैसे आपको कौन सा कैडर मिला? अरे आप बैठिए तो सही। आओ। पंजाब कैडर, इनफैक्ट एसपी ऑपरेशंस बनके मैं अमृतसर ही जा रहा हूँ। गुड। पंजाब, लेकिन वहाँ के हालात तो बहुत खराब हैं। पुलिस वालों के लिए तो हर जगह के हालात खराब होते हैं। हाँ राइट। आपका आशीर्वाद लेना था इसलिए यहाँ। आई मीन अ बिट ऑफ अ हरी, यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, मुझे अमृतसर की ट्रेन पकड़नी है एक्चुअली, सो आई विल हैव टू टेक अ लीव। प्लीज हैव अ सीट। Please have a seat. अच्छा दिल्ली आओ तो घर पर जरूर आना। जी जरूर, definitely. Okay. चावला साहब, मेरा दिल कहता है, दिल क्या कहता है? मुझे तो पूरा यकीन है कि नरेंद्र मेरी मुस्कान को खुश रखेगा। ओहो पापा, मेरी प्रॉब्लम अलग है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे एक पंजाबी ट्रेडिशनल सूट चाहिए यूथ फेस्टिवल के लिए। ये कोई प्रॉब्लम है भाई? वो मेरा दोस्त है ना ब्रिगेडियर संपूर्ण सिंह, जानते हो ना उनको? वही संपूर्ण सिंह डिसिप्लिन। अरे भाई उनकी बेटी रानी तुम्हारी सहेली है, उससे पूछ लो। रानी दीदी मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। हट, ये रखे, ले जा ले जा। अरे बेवकूफ, बहुत मारूंगी। अब नंदू सही कहना अपने कपड़े स्त्री करने को, सब मुझे परेशान करते। ये सब भैया भी है ना, पता नहीं दिन में दो दो बार कपड़े बदल कर कहाँ जाते। आइए आइए आइए, ये रही दीदी। ये किस महारानी को लेके चला रहा है यहाँ पे? ओहो हाँ जी, कौन है आप, क्या चाहिए आपको? ए, देख रानी, तू भी तो मुझसे मिलने आ सकती थी,
यूनिवर्सिटी तूने छोड़ी है, मैंने नहीं। अच्छा गिले शिकवे छोड़ और मेरे लिए अच्छा सा ट्रेडिशनल पंजाबी सूट निकाल दे, मुझे यूथ फेस्टिवल के फोक कॉम्पिटिशन में पहनना। ला देना प्लीज प्लीज, लाइक कपड़े दे मुझे, तुम्हें लिए ट्रेडिशनल सूट लेकर। अरे ये क्या किया, मैंने अभी भी तय किए थे सारे खराब। सॉरी सॉरी सॉरी, तो जाना मेरे लिए अच्छा सा सूट लेकर, मैं तब तक सब ठीक ठीक से तय करना। हाँ हाँ हाँ, मैं सब तय कर दूंगी। ओहो नंदू, बड़ा खूबसूरत लग रहा है बेटा, क्या बात है, नंदी आई हुई है? नंदी नहीं, दीदी की सहेली आई है। दुपट्टा ये लो मुस्कान। हाँ? अरे तुम यहाँ, लो इनमें से पसंद कर लो। ये तो तुम ही हो, यही तो मैं देख रही हूँ। ओहो मैंने तो पहचाना ही नहीं, तो तुम हो मेरे भैया के सपनों वाली लड़की। नहीं रानी, तुमने उस दिन भी तस्वीर को नहीं पहचाना था और आज भी नहीं। ये वो लोग नहीं है जिन्हें सपने टूटने पर होने वाले दर्द का एहसास हो ना, ये वो नहीं है। बिलीव मी मुस्कान, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, आई मीन तुम्हें देखने से पहले भैया ने तस्वीर बनाई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? भैया के साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है, किसी भी होने वाली अच्छी घटना का उन्हें पहले से पता चल जाता है। सरब सरब सुनो तो। हा? सरब मुस्कान के साथ। क्या हुआ मुस्कान के साथ? एक हादसा हो गया, वो स्टूडेंट सेंटर में है। हादसा? हाँ। सरब जाने से पहले इतना तो बताते जाओ कि मुझ में और तुम्हारी सपनों वाली मुस्कान में क्या फर्क है। कहाँ है? My darling, दादी आ गई। कैसी हो दादी? चल हट, पंजाब छोड़ के क्या गया, अपनी दादी को ऐसे भूल गया जैसे मैं तेरी कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं दादी, तू मेरी बात तो सुन। सर बात नहीं करनी। हाँ यहाँ ना मुझे काम बहुत करने पड़ते हैं। अच्छा? बहुत काम करता हूँ मैं। और कौन से काम? गंदे पाँव पर लेकर जा रहा है, सब कर। कौन से कामों की बात कर रहा है तू? सारे काम तो मैं कर रहा हूं तेरे। काम काम वो मुस्कान प्यार नहीं मुस्कान दादी। अरे तू क्या इसकी छानबीन कर रहा है, अरे रहने देना। सपा वो सुखी और लाली वो तुझे बहुत याद कर रही थी। सुखी और लाली? ये क्या दादी, अब सुखी नहीं आएगी मेरी शादी में तो गिद्दा कौन पाएगा? ओए डोंट बी वरी। क्यों? अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो पंजाब की चट्टी। क्यों? तू ढोल तो बजने दे, कितना मैं पाऊंगी। बल्ले दादी बल्ले बल्ले शाबाश। जिंद माहिले चलियो पटियाले वे ओते बिक दे ओए ओयो ते बिक दे रेशमी नाले वे ओते चिट्टे ओए। चरखा चंदन दा मैं कतापुरी का लाल, चरखा चंदन दा शाह, चरखा चंदन दा
वे मैडम, कम से कम तुम पे तो नहीं बेवकूफ, जूता पाँव काट रहा है, तंग हो गया शायद। नहीं नहीं, जूता तंग नहीं हुआ है, आपका पाँव भारी हो गया है। रानी, लेकिन तेरे झुमके कहाँ है? हाय, भूल गई, लेकर आती। तू कहाँ जा रही है? मैं लेकर आती। रानी, हाँ, क्या बहुत अच्छी लग रही है आज। चला बाय जाओ, बाय 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 बाय। क्यों जनाब, लड़की से बिल्कुल चिपक ही गए, मदारी के पीछे जैसे बच्चे भागते हैं ना, वही हाल हो गया तेरा। हाल तो यार हो गई ना वो, देख क्या लग रही है, है ना, क्या सूट पहन के आई, कितनी खूबसूरत लग रही, लग रही ना तुम्हें भी। अरे यार कानपुरिया, एक मसला बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा? मैंने ना कहीं और जाना होता है और उसके पास पहुंच जाता हूँ। रुक जाए यार। हाँ, अच्छा किया रोक लिया, अच्छा किया रोक लिया तुमने। अच्छा बात सुन, यहाँ हमें कोई देख तो नहीं रहा? देखो भाई, आंखें बंद करके बिल्ली दूध पीती और सोचते से कोई देख ही नहीं रहा। जहां तक मेरा मैथमेटिक्स काम कर रहा है, आधे पौने घंटे में तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े जाओगे। बस एक बार उसके। Excuse me. कानपुरिया, जाने दे क्या लग रही है, ओए मर जाऊं, देख चल कैसे। आए आए पापा, नहीं मुस्कान, आए आए तंबू में खड़े बांस की तरह आड़े टेढ़े क्यों रहे हो? जो काम कहे तो पूरे किए। काम कौन से काम? ग्रंथ साहब के लिए रुमाले और लड़के की माँ के लिए सुनार से कंगन और पेंडेंट उठाने। तो वो अंकल, आप मुझे बताइए ना, ये ना किसी बहुत बड़े काम में बिजी है, ये जाना। हाँ हाँ, मैं चल। आप मुझे बताइए ना, इसकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। आय हाय, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। समझ में नहीं आ रहा है, जीजा जी तेरी मेहंदी को देखेंगे या तुझे? अच्छा देख ले, अगर तेरा भी जी ललचा रहा हो तो दादी से कहकर तुझे भी मेहंदी लगवा दे रही हूं। जी कह रही है लगवा लो। अच्छा है। ओए 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 दादी, आई एम सॉरी, वो पांव ना गलत जगह पड़ गया। जब नजर कहीं और होगी तो पांव तो गलत जगह पड़ेगा ही ना। ओ दादी, ओए 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 ओए, ये देख। हाय रब्बा, क्या हुआ? मैं तो बताना ही भूल गई, झुमके इसमें नहीं है, वो तो मैंने कबर्ड में रखे हैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे तू कहाँ जाएगी, तेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जा जा, तू ही ले आ। देखो, लग जा पीछे। हिंदी वाले सर कहते थे कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, पर पैसे तो कॉर्पोरेशन से मिलते हैं ना। अरे बन गई बात, रुको यहीं पे। सर ये क्या कर रहे हो? सर दरवाजा बंद। दादी दादी, व्हाट? आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। माय गॉड, शर्मा कर तुम्हारा रंग और गुलाबी हो जाता है। बिल्कुल आइसक्रीम की कोन लग रही हो। तो क्या इरादा है? वही जो आइसक्रीम के साथ किया जाता है, वही इरादा है। हाँ हाँ, ना 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 ना। ये सब क्या हो रहा है? तो दादी, मैं रानी के जेवर लेने आई। हाँ दादी, वो कबड़ मैं इस कबड़ की चाबी लेकर आया था। चाबी? इस चाबी से जो ताला तू खोलना चाहता है ना, उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। हाँ ठीक है, आज तेरे पिताजी घर पर नहीं है ना, लेकिन कल सवेरे मेरे डिसिप्लिन पुत्र के सामने तुम दोनों का होगा कोर्ट मार्शल। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? पंडित जी, इनकी सजा आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? वो आप कमांडिंग ऑफिसर हैं, आप ही सुना दीजिए फैसला। तो सुनिए, डिसिप्लिन कहता है कि मुस्कान हमें दे दीजिए। यस यस। और इस सब्बा को आप रख लीजिए। जैसा आप कहें। बधाई हो ब्रिगेडियर साहब आपको। मुबारक हो बहन जी। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको बधाई हो माता जी। आपको भी बधाई। अरे नहीं नहीं।
बंद करो, बंद करो ये नाच गाना। इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया है, तुम लोगों ने मारा है, तुम लोगों ने मारा है हमारी माँ को। खून का बदला खून। चल चल किशोरी, चल यहां से। हेलो। हाँ जी सच्चर बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल। इंदिरा गांधी का पता चला? हाँ जी पता लगा। ऐसे हालात में धूमधाम से शादी? हाँ बोलिए। भारत में 3-4 लोग आएंगे और खामोशी से शादी कर देंगे जी। हम ठीक है ना? हाँ जी यही ठीक रहेगा। अच्छा जी फिर कल मिलते हैं। अच्छा लड़के वालों का फोन था, शादी अब बड़े सीधे साधे ढंग से होगी। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, ऐसे माहौल में शगन मनाना शोभा नहीं देता। चलती हूँ रानी। अच्छा अच्छा सनी। सत श्री अकाल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब। अच्छा जी पुत्र, क्या बात है, क्या हुआ, ये सब लोग जा क्यों रहे हैं? बीजी, इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया है। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने अपने सर्विस हथियारों से गोलियां चलाकर बुरी तरह से घायल कर दिया। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर का है। ये भीड़ अपनी बंद करो ये टीवी, सुनने तो दो। क्या सुनना चाहती हो? खून का बदला खून। बार बार ये नारे क्यों सुना जा रहे हैं? उन भोले भाले लोगों को जो दंगा फसाद करने पर आमादा हो जाएं, ताकि और भी बेगुनाह लोगों की जाने जाएं। अरे जो कुछ हुआ गलत हुआ, ये तो और भी गलत हो रहा है। आने में इतना वक्त तो नहीं लगता। हाँ बोलो। धौला कुआं तक होकर आया हूं मैं, सब कुछ बंद है, मौत सा सन्नाटा है बाजारों में। फोन भी कमबख्त डेड है। पापा आप परेशान ना हो, मैं अभी आलोकपुरी जाकर पता कराता हूँ क्या बात है। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अभी छत से देख कर आई हूँ, कहीं पर आग लगी है, बहुत धुआं उठ रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं बहन जी, कहीं नहीं जा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा सर के साथ, आखिर पता तो चले माजरा क्या है। क्यों ब्रिगेडियर साहब? ना बेटा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं है। तुम सब यही बैठ जाओ, हाँ गुरु सब ठीक कर देगा। लेकिन बीजी, रानी बेटी दुल्हन का लिबास पहने कब तक बैठी रहेगी? आप लोग यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। पापा पापा प्लीज रुकिए आप, मैं हूं ना, मैं देख कर आता हूं क्या बात हुई। चलो सर मैं भी साथ चलता हूं। नहीं 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 नहीं, गुरसेवक और उसकी फैमिली को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आप बैठिए, हम चलते हैं। चलिए ना बैठिए आप, जल्दी बैठिए आप, चलते हैं।
वो देखो सर, अब हमारा क्या कसूर था रब्बा? जी की मौत पर मिठाइयां बांटकर भाग रहा, निकलो बाहर, निकलो बाहर, नो मारो मेरे बच्चों को, नो मारो मेरे बच्चों को, छोड़ बजाए, छोड़। अरे भाई साहब, हमने किसी के मरने पे मिठाई उठाई नहीं बांटी। देखते क्या हो, छिड़को इस पे तेल, नहीं डालो गले में टायर और लगा दो इसको आग और फिर देखते साले उग्रवादी का भांगड़ा। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाए मेरे पति को, बचाइए, बचाओ भांगड़ा, तो कोई गुनाह नहीं किया, चढ़कान पे भी तेल, ले चलो इस सरदारने को भी। ओए ओए रुको, बदला खून, खून का बदला खून। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखो देखो उधर, देखो उधर चलते, शायद वहां से कोई मदद मिले, चलो जल्दी चलो। यही दो बाकी हैं, बाकी सब बांट दिए। ना टायर दे बिकू, इस शहर में यही एक कॉलोनी बाकी नहीं है, और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं, सिर्फ 36 घंटे, खत्म कर दो इनको। और कितनी लाशें चाहिए तुम्हें, कितने घर जलाओगे तुम? ये लाशों का और राख का ढेर सजाकर क्या चाहते हो तुम? बंद करवाओ वास्ते ही रब्दा, बंद करवाओ ये सब, कैसी देशभक्ति, बंद करवाओ। मुझे मार डालेंगे, खत्म कर दो इसे। नेताजी ये तो मोना सरदार है, मार डालो इसे भी। शराब, शराब, बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो तुम। मैं न्यूज़पेपर का सब एडिटर हूँ, मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा कल के अखबार में, देख लेना, कल सुबह देख लेना। Oh!
तो तुम जाओ यहाँ से। इसे मत मारो, ये मेरा बेटा है। परिवार की लाशों को बीच सड़क छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। लो, तुम भी नोच डालो मेरा जिस। नहीं नहीं बहन, मैं वो नहीं हूँ। कड़ा? हाँ, कड़ा। ये कड़ा क्या पहन रखा तूने? मैं सरदार हूँ, मैं भाई हूँ तुम्हारा। सरदार हो? भाई हो? आगे वो वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर को जला डालेंगे। घर मेरा? भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। बहुत बुरा हुआ, इस घर में अब कोई नहीं बचा होगा। नहीं, एक बाकी है अभी। ये देखो कड़ा, कड़ा देखो। मैं मोना सरदार, मैं बाकी हूं मरना अभी। हाँ देखो, मारो मुझे, मारो मुझे। क्या हुआ? टायर खत्म हो गए या पेट्रोल? ये ब्रिगेडियर संपूर्ण सिंह को तो मार डाला तुम लोगों ने, जला डाला। मैं उनका बेटा हूं। हाँ बेटा हूं मैं उनका। ये उनकी पगड़ी जो जली, आधी आधी जली,
ये लो, मैंने बांध ली अपने सर पे, अब तो मार डालो मुझे। तुम लोगों को बताऊं, तुम लोग वो नहीं हो जिनके लिए गुरुओं ने कुर्बानियां दी थी, और यह देश भी वो नहीं है जिसके लिए शहीद भगत सिंह शहीद हुआ था। सही कह रहा हूं ना मैं, सच कहा ना मैंने? ए भगत सिंह तू बता, सही कह रहा हूं ना मैं? हे मेरे भगवान, इन लोगों के हाथ में अगर जिंदगी और मौत है तो कहीं ने कि मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दो। इन्होंने मेरे पूरे परिवार को तो चलो भाई अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, चलो चलो उठाओ इसको, ले हाँ उठाओ। तुम्हें पता है सुरजन सिंह, आलोकपुरी में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, घरों के घर जला दिए और नौजवानों को चुन चुन कर मार डाला। पूरी तैयारी से आए थे वो लोग। बाकी है, सुनिए, रुकिए। अरे 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 सुनिए, रुकिए आप। भाई साहब, ये गोली ले लीजिए, इससे आपका दर्द ठीक हो के साथ और कौन कौन है? कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं, सबको मार डाला। मेरे शेर जैसे पत्थर के गले में। ये गलत कर रहे तुम लोग, इसका नतीजे खतरनाक होंगे। अब नहीं पूछेगी माँ जी, हम लेंगे खून का बदला खून से, गाजर मुड़ी की तरह काट कर फेंक देंगे सभी को। ना, ना सबे ना, मुझे किसी की मौत नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। सबे, हम अपने गांव चले जाएंगे, हमारी जमीन है ना, हम वही गुजारा कर लेंगे। हाँ लाली,
मैं तो हर साल सब्बे वीरे की कलाई पर उसकी लंबी उम्र की दुआएं बांधती आई हूँ, फिर मेरे विश्वास के धागे इतने कच्चे क्यों पड़ गए? ये सब मातम में सफ़े बिछाकर क्यों बैठे हैं? ये बदशगुनी क्यों? इन सबको रब पर विश्वास नहीं रहा, पर तू विश्वास रख सुखी। देख, इन हवाओं में उसकी आने का एहसास है। तेरे भाई के दिल्ली में मारे जाने का मुझे बहुत दुख है, पर मुझे ये भी पता है कि तुझे कोई दुख नहीं है। भाई उसकी जायदाद का अकेला तू ही तो वारिस हो जाएगा। ओहो हैरी साहब। माँ कहाँ गया मेरा वीर? ओए मैं तो बर्बाद हो गया, ओए मैं तो बर्बाद हो गया, ओए सब मैं, ओए ये क्या हाल हो गया तेरा वीर? पता चला पखोवाल स्टेशन पर सरेआम 70 आदमी को गोली मारती आतंकवादियों ने, और उन आतंकवादियों का कुछ पता भी नहीं चला। अरे खाड़कू बोल, खाड़कू आतंकवादी मत बोल, आतंकवादी बोलेगा तो तुझे भी गड्डी चाड़ देंगे। गड्डी चाड़ देंगे। जा रहा हूं भाई, मैं रात को थोड़ा लेट हो जाऊंगा। लेट क्या हो सकता है, ना भी आऊं, मेरा इंतजार मत करना। लाली अब तो तेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां भी खत्म हो गई है ना, और तुझे लेकर मामा मामी भी परेशान होते होंगे। तू जाना चाहे तो जा सकती है, यहाँ सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। दादी दूध। क्या ठीक है सुखी, कुछ भी तो ठीक नहीं। माँ जी आप अंदर चलिए, आपको सर्दी लग जाएगी, और संभालिए अपने आप को। चलिए, इंसानी जिंदगी दरिया की तरह बहती है, जो किसी के आने से चलती नहीं और किसी के जाने से रुकती नहीं। जीने वालों के साथ जीना पड़ता है और मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। चलिए आप आराम कीजिए। इस चाकू से दीवार कुरेद रहे हो या अपने आप को? जिंदगी के नक्श तराशने लगा था, मौत के आकार बनने लगे। सरब, जिंदगी के नक्श सूरज की रोशनी में नजर आते हैं, अंधेरों में नहीं। अपने अंदर बहते लावे को, अपने आक्रोश को इन खेतों के हवाले कर दो। सही कह रही है लड़की सरबजीत, तुम एक किसान हो, उठाओ ये कही और मारो जाकर अपनी जमीन पर और नई जिंदगी शुरू करो। ले पुत्र। ठहर पुत्र,
पहली बार तू फसल लेकर इस घर में आया है, मुझे शगुन तो कर लेने दे, कहीं किसी का नजर ना लग जाए। दादी, जिसको आपकी दुआएं लग जाएं, उसको किसी की नजर क्यों लगेगी? सही कहा सब बेवीरे ने। दादी, ये गेहूं के दाने पता है मुझसे क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं? एक तो ट्रैक्टर लेना है, हाँ। और एक इसकी शादी करनी है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं सब्बे, ये दोनों बातें हमारी किस्मत में नहीं है, हमें कर्ज उतारना है भाई। कर्ज? कौन सा कर्ज? पाजी ने कुछ पैसे लिए थे मुझसे, वो दिल्ली वाली कोठी के लिए उनको पैसे चाहिए थे, मैंने अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर 3 लाख रुपए उनके आगे ढेर कर दिए। पाजी की आंखों में आंसू, कहने लगे ले दस्तखत करा ले जान करवाने, पर मैंने कहा ना, मैंने मना कर दिया सब्बे। अब माँ, खून की इबारत स्याही की इबारत से तो गहरी होती है ना। शर्म नहीं आती तुझे? मेरा ब्रिगेडियर पुत्र पैसों के लिए तेरे आगे हाथ फैलाएगा? ओए कमाल है, तो क्या मैं झूठा हूं? ओ कमीना हूं भाई मैं अपनी जुबान आज भी ना खोलता माँ, अगर बैंक वालों का कर्ज वसूली के लिए समन ना आया होता। बापू, तो बैंक वाले कर्ज में इनको क्यों घसीट रहा है? तू चुप कर बदबख्त, तुझे मालूम है लेन देन क्या होता है? जब उठाई नहीं जाती तो बढ़ते क्यों? चलो। अच्छा जी, सुनो चाचा, तुमने कर्ज लिया था और तुम ही उतारोगे, मुझे और मेरी फसल को इन सारी चीजों से अलग रखो बस। ठीक है, एक एक पाई चुका लूंगा मैं, अब देखना कैसे कर्ज उतारता हूं मैं। हाँ, सबे वीरे, भला ये क्या बात हुई? तू क्यों उतारेगा बापू का कर्ज? तो और कौन उतारेगा? तू मेरी बहन नहीं है? जा, चाचा पापा का भाई नहीं है? हैं? सारी चीजें बाद में होगी, यस सारी चीजें बाद में, पहले चाचा का उठाया हुआ कर्ज उतारा जाएगा, ट्रैक्टर बाद में, तुम्हारी शादी भी बाद में। शादी भी बाद में? मेरी शादी तो बहुत बाद में भाई साहब, पहले आपका नंबर है। अच्छा? अरे वो याद आया, क्या लाली की चिट्ठी आई थी। अच्छा, लिखी तो मेरे नाम है मगर है तुम्हारे लिए। चुप। मुझे तो लाली बड़ी भली लड़की लगती है, कितना अपनों जैसा साथ दिया उसने हमारा। सब बे बेटा, अगर वो अगर वो क्या मतलब? मतलब शादी? हाँ। अरे लाली मेरी भाभी बनेगी। हाँ। चुप, शादी बात कौन? इस तरह आंखें फाड़ फाड़ क्या देख रहे हो? घर है मेहमान की खातिर कैसे की जाती है, इतना भी सलीका नहीं सिखाया क्या किसी ने? ये दिल्ली से आए हैं, पंजाब के तौर तरीके भूल गए लगता है। ओए, क्या मतलब है तुम लोगों का, और इस तरह से घर में घुसाने का मतलब क्या है? रोटी रोटी खाने आए, भूख लगी थी चले आए। अब अगर ये भी बताना पड़े कि हम कौन हैं तो लानत है हम पर और तुम पर। क्या नाम है तेरा कुड़िये? नाम क्या है तेरा? जी सुखजीत कौर। तो तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर खाना बनाओ हमारे लिए, जाओ। बेटी चलती चलती इनके लिए रोटियां सेक दे, चल। हाँ। तो इनके हाथ धुलवा दे। ठीक। ओए मोने, कोई दुख तकलीफ है तो बता, कोई अफसर वफसर तंग करता है तो आज ही गड्डी चढ़ा देंगे। ना जी, हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं, हमें कोई दुख नहीं। बड़ा पत्थर गा के ले जाए तेरा बुढ़िया, बेटे और पोते को जिंदा जला दिया,
दुल्हन के जोड़े में पोती को बेरहमी से मार दिया और तू फिर भी कहती है कोई गम नहीं कोई दुख नहीं। सामान सही जगह पर रख दिया है। हो गया, आजो फिर खाना खा लो। आजा भी तू भी आजा। भाई दाल बहुत अच्छी बनाती है ये सुखजीत कौर, आटा वाटा पिसवा के रखना। अब तो इस घर में हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। दादी ये लोग घर पे आए हैं, मैं पुलिस को खबर देकर आता हूं। अभी नहीं, शायद ये बाहर ही ना हो, कल सुबह जाना। कौन? पापा, पापा, सारा, 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 मुस्कान, कब तक अपने अतीत के सहारे जीती रहोगी मुस्कान? संभालो अपने आप को। चावला साहब ने भी कहा है उनका अखबार ज्वाइन करो। सरब, हर आहट पे उसका इंतजार करती हूँ। वो नहीं है मुस्कान, कहीं नहीं। इस सच्चाई को समझो प्लीज। बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब चलकर सो जाइए। नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही ना? इतने सारे मासूमों की चीखो पुकार सोनी भी कहां देगी? 10 निर्दोष लोगों का कत्ल करने के बाद आए थे वो यहां खाना खाने के लिए। कत्ल के वक्त तू उनके साथ था ना? किस बुनियाद पर ये दोष लगा रहे हैं आप मुझ पे? तू कोई सेशन जज लगा हुआ है मुझ पर जो मैं तुझे सबूत पेश करता फिरूं? मुझे इतला क्यों नहीं कि हत्यारों से मिला हुआ है तू? नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा उनके साथ नहीं मिला हुआ, वो तो रात को ही आपके पास आने वाला था। था, था आने वाला, लेकिन आया तो नहीं ना। अगर ये आप ही जाता तो भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पूरे 5 घंटे दिए हैं इसने उन्हें भागने के लिए, जिससे साफ जाहिर है कि तुम्हारा बेटा उनका साथी है और ये घर उनका ठिकाना। जनाब, जनाब, AK-47 मिली है इसके घर से। मैं ऐसे हथियार के बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, मेरा इस हथियार से सच में कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझ रखा है तूने मुझे, गधा या उल्लू का पट्टा? ए, ले चलो इसे गांव की चौपाल में, ये पूरे गांव के सामने मानेगा कि ये आतंकवादी है। मैं आतंकवादी नहीं हूं। जल्दी ला पानी। मैंने सुबह से दोपहर तुम लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नहीं की, यह तमाशा नहीं है, यह सबक है, सबक तुम सबके लिए। वो लोग इतने मासूमों की हत्या करने के बाद यहां आते हैं और तुम जवानों की तरह उनकी सेवा करते हो, अपने घरों में बैठाकर खाना खिलाते हो उन्हें और पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं करते? इस डंडे के सामने तो बड़े बड़े भूत नाचने लगते हैं। बोल, कौन थे वो जो तेरे घर खाना खाने आए थे? ना मारो मेरे बच्चे को, इसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। ये तो नहीं बोलेगा, लेकिन ये बुढ़िया जरूर बोलेगी, इसे सेम ट्रीटमेंट दो। आ, 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 आ,
छोड़ दो, मारो। ये हमने क्या कर दिया जनाब? मैंने तो मामूली सा डराने धमकाने की बात की थी, आपने तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी सबकी। जनाब छुड़वाइए उसे, मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद। हमें तो चाहिए, हमें चाहिए। हमारे साथ जो एक बार हाथ मिला लेता है ना, जिंदगी भर हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। ज्यादा चू चुकी ना तो गोली मार दूंगा और तेरी सुक्की को उठाकर ले आऊंगा। चल दबाओ यहां से। ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म कर दिया। चलो भाई जल्दी चल, जल्दी चल, चल जल्दी चल, जा तो भाई, चल बाहर बाहर। जीते रहो। ये सरहद पार से कितने आए? 8 हैं बाजी। ऑटोमेटिक असला भी भेजा है और ये पाकिस्तान के मलिक साहब ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। और ये सरहद पार जाने वाले कितने हैं? भाई साहब यही कोई 20-25 हैं जिन्हें मैंने अंदर बिठा रखा है। आइए। कहाँ है सब? नीचे है बाजी। रघु जी, यही है ना सब लोग जो पाकिस्तानी कैंप में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? यही है बाजी। तैयार हैं सब? जी सब तैयार हैं। बहुत अच्छे। हाँ जी, आ गए हैं सब लोग? जी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाह वाह, क्या बात है, मलिक साहब का भी जवाब नहीं। वाह, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है साली। AK-47 हाथ लगाते ही बंदा मारने को दिल करता है। भाई साहब डर मत, तू दूसरों की जान लेने के लिए पैदा हुआ है, अपनी जान देने के लिए नहीं। भाई साहब आपका छोटा भाई तो बंदे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम लोग जत्थेबंदियों की नफरी बढ़ाओ, लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले खुद संभालो, ताकि लोग सरकार की तरफ नहीं हमारी तरफ देखें। भाई साहब ये काम तो हमने बाखूबी शुरू कर भी दिया है। मोट गांव का सरदार है प्रीतम सिंह, उसका अपने भतीजे के साथ झगड़ा चल रहा है जमीन को लेकर। वो आया था हमारे पास मदद मांगने, रघुवीर ने उसके यहाँ हाजिरी लगा दी है और एक AK-47 भी छोड़ दी, साथ ही पुलिस को मुखबरी कर दी और पुलिस उसे उठाकर भी ले गई। अब या तो मरेगा पुलिस की हिरासत में, अगर बच गया तो किसी जत्थेबंदी का मेंबर बनेगा, क्योंकि अब उसके लिए बाकी सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। पूरे गांव के सामने मेरा गला पकड़ा था तूने, ये वर्दी फाड़ी थी, मैं तेरी जान से मार डालूंगा तुझे। मुझे मार डालो, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा, मैं मार डालूंगा तुझे। तू मारेगा मुझे, कच्चा नहीं चबा डालूंगा तुझे। जोगा सिंह जी, कल सुबह के लिए सामग्री तैयार करो, कल की सैर हम इसके साथ करेंगे। अब तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकेगा। Left.
सिंह इधर आओ। जी, जी। भगाओ इसे, हटाओ इसके मटके मटके सारे। सब्बे भागकर हमारी तरफ आ जा। दिल डूबा जा रहा है, इतनी देर तो होनी नहीं चाहिए थी, कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। तारो बहन, ये तू अगर पहले पूछ लेती तो शायद वो लोग पहले आ जाते। देखो वो आ गए। सरबजीत, तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि हम तुम्हें क्यों बचा रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल। वो रहा सामने तुम्हारे हर सवाल का जवाब। कानपुरिया, कानपुरिया मेरे यार, कानपुरिया तुम यहां कैसे? जो तेरे साथ दिल्ली में हुआ वो मेरे साथ कानपुर में हुआ। घर बार जला दिया, सभी दुकानें लूट ली, कुछ नहीं बचा। सभी तेरे दिल्ली से यहां आने की खबर मुझे थी, मैं तुझे अपने साये से भी दूर रखना चाहता था। उस दिन मैं एक खास मिशन पर गया था, वरना ये नौबत कभी ना आती। तेरी सारी मुसीबत की जड़ तेरा चाचा है। जमीन की लालच में उसने रघु के बदमाश टोले को तुम्हें डराने के लिए बुलाया था। बस पुलिस को तो ऐसा ही मौका चाहिए। सबे, ये कौन है? ये लाली है कानपुरिया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आज इसने भरे बाजार में मुझे पहचान करनी बल्कि कह लो बचा कर बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर इसे मैं वहां छोड़ा था तो तुम अंदाजा लगा सकते हो इसके साथ क्या होता। आज से ये मेरी छोटी बहन है। आज से तेरी जिंदगी की हिफाजत मैं करूंगा। तुम जानते हो इसे? हाँ। मिल चुकी हूं इसे। रब, उन हालातों में किसी को ना मिलाए। मैं हूं बाबा, तारो का भाई। आजकल इसी के खेतों या घर में ठिकाना रहता है अपना, ये अभाव। वैसे तो मेरा नाम बलविंदर है, मगर सब लोग मुझे भाऊ कहते हैं। कसेल गांव का रहने वाला हूं।
चचेरे भाई अफीम की तस्करी किया करते थे। बड़े बड़े अफसरों के साथ उनका उठना बैठना था, नजायज कब्जा भी उन्होंने धंधा बना लिया था अपना, और यहां तक कि मेरी जमीन, मेरी जद्दी जमीन पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने। बस इसलिए एक रात को गोली चल गई मेरे हाथों से, और मुझे आतंकवादी बताकर वारंट निकलवा दिए, मेरे आतंकवादी बताकर। मैं रोशन लाल शर्मा ब्राह्मण हूं, गीता में विश्वास है, लेकिन पंजाब के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरी यही सोच कुछ लोगों को रास नहीं आई। मुझे खामोश कराने की कोशिशों का नतीजा है कि आज मेरे हाथों में हथियार है। और ऐसा ही है हमारा ये साथी कॉमरेड किंदा। किंदा के बारे में बताने वाला हमारा साथी है रमन, ये है पाल, और मैं हूं गगनदीप सिंह। हम तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में अक्सर भिड़ा करते थे, और आजकल पुलिस से। सबके साथ यही हो रहा है पाल, ये भी तो फेस्टिवल ही चल रहा है, फेस्टिवल ऑफ किलिंग एंड डेथ। मौत का उत्सव है तो क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो एक साथ ना दे सके, अब मौत का इम्तिहान एक साथ देंगे। सही कहा तुमने। बोले सौ निहाल। मुस्कान आओ बेटी, बैठो, बैठकर बताओ। मुस्कान शायद तुम नहीं जानती, मेरे स्टाफ को खास तौर पर मुझे पंडित जी की कमी बहुत खल रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी तुम आ गई हो, कमी पूरी हो गई। बेटी मैं बिला वजह तुम्हारे आर्टिकल में काट छाट नहीं कर रहा था। दरअसल आपका नजरिया भी दिल्ली वालों जैसा बनता जा रहा है। मुस्कान तुम शायद वो सब बातें छपवाना चाहती हो जो मैं काट चुका हूं, ठीक है भाई? ओके। तो तुम्हारे ख्याल से पंजाब में शांति कैसे बहाल की जा सकती है? शांति अमन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। दुआ मांग रही हो ना, मांगो। दुआ मांगो कि बुड्ढा 10 मिनट में 5 लाख रुपया लेकर आ जाए। वो तुम लोगों का ही इंतजाम करने गए हैं। जीतिया तू नीचे को आ गया? ऊपर सब ठीक ठाक है जी, मैंने सोचा और तो कुछ मिलना मिलाना नहीं है, इसी से काम चला ले। ये ले तू भी पी ले, पीले पीले जिंदगी के सारे गम भूल जाएगी, पीले नखरे को करती है पीले। तू कह रहा था ना तुझे क्या मिलेगा, ले जा इसे। टेस्ट तो कर, कुछ करंट बंद है कि नहीं। मुझे तो बर्बाद कर ही चुके हो, मेरी बेटी को तो बख्श दो। हाय रब्बा, इससे तो अच्छा हमें मौत दे दे। मौत ही मांगनी है तो हमसे मांग, जब चाहोगी दे देंगे, क्योंकि आजकल हम भी रब के बराबर हैं। रब की बराबरी बाद में करना, पहले उसके बंधों से तो निपट। ले आ गए तेरे बाप, इन्हीं को लेने गए थे बापूजी। जिन लोगों के घरों में खाना खाते हो उन्हीं की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हो कमीनों, और उन्हीं के घरों में AK-47 रखकर उन्हें मुजरिम बनाते हो। करो तैयारी ऊपर जाने की, चलो। नहीं सर, अब फिलहाल इनकी जूता परेड होनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हासिल हो। लाओ इसे भी इधर। ला मार भाऊ इसे। बस बस बहुत हो गया, छोड़ दो इन्हें। और सुनो,
अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो गोलियों से छलनी कर देंगे। क्यों छोड़ा कानपुरिया, मार देते हैं इन गुंडों को यहीं पे। सबे समझा करे यार, यहाँ इनको मारेंगे तो घर वालों के लिए मुसीबत हो जाएगी। और ऊपर से ये बलवंत के आदमी है, कल सभी ग्रुपों की मीटिंग है और पाकिस्तान से जनरल भी आ रहा है, क्यों खामखा प्रॉब्लम क्रिएट करें। हाँ सरफ, कानपुरिया पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी तरह और भी बहुत से लोग इनसे तंग हैं खालसा जी। जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो सुन ले और दूसरों को बता दें। जत्थेबंदियों का नाम लेकर लूटने वालों की खबर हम तक पहुंचाएं। हम दशमेश आर्म्ड फोर्स वाले ऐसे गुंडों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले सो निहाल श्री अकाल। अंदर आओ, अंदर। साहब ऊपर तो कोई नहीं है। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सत श्रीकाल। यहां कोई खतरा नहीं है मलिक साहब। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आज हम सब जिंदा हैं और नए एक्शन की तैयारी में हैं। जहां पहले मीटिंग होनी थी वहां पर इतनी जबरदस्त पुलिस रेड हुई है कि आज आईएसआई का थॉट, खालिस्तान और हम सब का वजूद मिट्टी में मिल जाता। पर हम गरीब मुजाहिदीनों को वक्त पर खबरदार कर देने वाले, या यूं कहिए कि हमारी जान बचाने वाले हैं बलवंत सिंह जी। मलिक साहब, हम यहां इतना खतरा मोल लेकर एक दूसरे की तारीफ करने या सुनने के लिए इकट्ठे हुए? बिल्कुल नहीं, हम यहां इकट्ठा हुए हैं एक खास मकसद के लिए। आईएसआई ने आप लोगों पर पानी की तरह पैसा बहाया है, हथियार दिए हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाए सिवाय छोटी मोटी वारदातों के अलावा। कुछ क्यों नहीं, हम सरकार के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई इस तरह नहीं जीती जाएगी जनाब, जिस तरह आप लोग लड़ रहे हैं। बिखर कर नहीं, इकट्ठा होकर लड़िए। एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए और वही लाइन ऑफ एक्शन बनाने के लिए मैं यहां आया हूं। आप लोगों का एक प्रेस नोट लोगों की रातों की नींद हराम कर दे, ऐसी दहशत होनी चाहिए आप लोगों की। हम इसी तरीके की दहशत फैला रहे हैं मलिक साहब, लेकिन यहां पर हमारे कुछ साथी हैं जो हमारा साथ नहीं देते। आप दहशत नहीं, नफरत फैला रहे हैं। आपके लुटेरों की वजह से सब लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। हम तंग आ गए हैं आप लोगों के ग्रुपों की आपसी लड़ाई से। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को आपसे नफरत नहीं, हमदर्दी होनी चाहिए। लोगों को अपने साथ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए आप लोग। दहेज बंद करें और छोड़ी हुई लड़कियों के घर बसाएं। पुलिस के परिवारों पर हमला करके पुलिस के हौसलों को पस्त कर दें। गुड, वेरी गुड। मलिक साहब, उससे भी अहम है हमें हिट लिस्ट फॉलो करना चाहिए। जिन्होंने जुल्म किए लोगों पर उन्हें चुन चुन के मारना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली का तख्त हिले, इंटरनेशनल कम्युनिटी आप लोगों के मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करे। वो कैसे करेगी? हिंदू मास किलिंग से जब तक पंजाब की सरजमीन पे एक भी हिंदू बचेगा, खालिस्तान नहीं बनेगा। नहीं मलिक साहब, हम आपकी इस तजवीज से सहमत नहीं है। हिटलिस्ट को फॉलो किया जाए, बेगुनाहों का कत्ल करके क्या हासिल होगा? अच्छा, और गोल्डन टेंपल में माथा टेकने गए लोगों को मारकर क्या हासिल हुआ? दिल्ली के दंगों में जो लोग मारे गए क्या वो बेगुनाह नहीं थे? कौन से बेगुनाहों का जिक्र करते हो बलवंत सिंह? ये खड़ा तुम्हारे सामने दिल्ली दंगों का शिकार, और ये है कानपुर का सरदार जिसकी फैमिली का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा, लेकिन फिर भी हम मास हिंदू किलिंग का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मुझे बचाने वाला, दिल्ली के दंगों में मेरे लिए अपनी जान देने वाला एक हिंदू था। और एक नहीं मलिक साहब,
कई थे जिन्होंने पता नहीं कितने सिखों को बचाते हुए अपनी जान दे दी, उन सबको मार डाले हम। और वही नहीं, हमारा एक साथी जो हमारे साथ इस जंग में शामिल है, वो है रोशनलाल हिंदू। क्या उसको मार डाले हम? उसको नहीं मारेंगे हम। सॉरी जनरल साहब, मास हिंदू किलिंग वाली बात से हम सहमत नहीं, बाकी सभी बातों से इत्तफाक करते हैं हम जा रहे हैं। कोई और आदेश या संदेश हो तो कहलवा दीजिएगा, हम फॉलो करेंगे। आ सबे। देखा जनरल साहब, इस तरह चलेगी हमारी मूवमेंट? मैं तो कहता हूं आपके कोडाफ्ट कंडक्ट का आंख बंद करके स्वागत होना चाहिए। बलवंत सिंह, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, इससे हमारी मूवमेंट को ही फायदा होगा। तुमने बचपन में वो तीन टांग वाली दौड़ दौड़ी है? अपने साथी की टांग अपनी टांग के साथ बांध लो और फिर उसे दौड़ाओ। मतलब ये है कानपुरिया और ये है सप्पा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आजा पुत्र, तुझे बताऊं निहंग सिंह क्या होते हैं? ये नेजा है, इससे हम लोगों की रक्षा करते हैं, समझे? रुको, चले चल, जल्दी करो, जल्दी करो, सबे तुम लोग पीछे से चढ़ जाओ, तू भी चल। हाँ चढ़ रहे हैं। चल, हाँ भी सबे चढ़ गए। हाँ हाँ, तू भी आ जा, जल्दी कर, चलो चल। वक्त ये बस दशमेश आर्म फोर्स के कब्जे में है। पीछे क्या देखता है? अगर कोई अपनी जगह से हिला तो हम गोली मार देंगे। बाएं मोड़, सुनानी बाएं मोड़। सबके सब अपने सर घुटने में दे लो और हाथ कमर के पीछे रखो। रोक यहीं पे। उतारो इन हिंदुओं को एक एक करके बाहर। कानपुरिया, उतार इनको नीचे, खड़े हो जाओ लाइन में। तू भी उतरे। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। मुझे छोड़ दीजिए सरदार जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सरदार जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो सरदार जी, मुझे छोड़ दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे पापा का क्या बिगाड़ा है सरदार जी? सरदार जी छोड़ दो मुझे, बचा लो मेरे पापा को, बचा लो, मुझे बचाओ कोई। अब गोली मार दो इनको। गुरु तेग बहादुर जी ने तो इन हिंदुओं की खातिर अपना बलिदान दिया था, तुम इन्हीं की जान लोगे? वाह, बड़े गुरु के सिख हो। चुप, हट जा नहीं तो तुझे भी गोली मार देंगे। मार दो गोली, नहीं जीना मुझे, जा तुम जैसे जालिम हो। देखता क्या है कानपुरिया, मार गोली। कौन है यहाँ कानपुरिया और कौन सी दशमेश आर्म फोर्स? जय हिंद सर। जय हिंद। किसका काम है ये? दशमेश फोर्स वालों का काम है सर। आपके पास कोई सबूत है? सर, हमने बस के मुसाफिरों से बातचीत करी है, उन्होंने बताया कि मारने वाले एक दूसरे को सबा और कानपुरिया कहकर के पुकार रहे थे।
और इतना ही नहीं सर, मरने वालों में उनके भी एक आदमी की लाश मिली है जिसका नाम गगनदीप सिंह है। सर ये वही आतंकवादी है जिसकी सरकार को तलाश थी और जिस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। लुक सर लुक। बस के ड्राइवर का बयान लिया? जी सर, दरअसल वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने अपने बयान में कहा कि उसे जबरदस्ती लाशों को उनके वारिसों के हवाले कर दो। यस सर। और पता लगाओ उन कुत्तों का जिन्होंने इतनी बेदर्दी से इन बेगुनाहों का खून बहाया है। यस सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी पंजाब में हालात इतने खराब हैं, आप फिर भी वहां जा रहे हैं क्यों? पंजाब में 25 बस यात्रियों को धर्म के नाम पर गोलियों से भून दिया गया। अगर आपकी आस्था भगवान, धर्म, जाति, बोली अलग है तो क्या इसका अर्थ है कि आपको जीने का हक नहीं है? पदयात्री भाई पंजाब आए जरूर आए, मगर दिल्ली से होकर आए ताकि दिल्ली की जिद्दी सरकार को पंजाब का दर्द समझाने की कोशिश कर सकें। यहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए, पंजाब में हर हाल में जल्दी चुनाव होने चाहिए। ये फैसला हमें लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और जो लोग ये धमकी देते हैं कि जिसकी उंगली पर वोट डालने का निशान होगा हम उस उंगली को काट डालेंगे, सच कहूं पंजाब और पंजाबियत के दुश्मन। शांति, मुकम्मल शांति। संत जी गिर पड़े और लोग भाग गए। कुछ ही दिनों में 2 बड़ी वारदातें। एक बार तो आपने पूरे मुल्क को हिला दिया। अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो हमारे सपनों का खालिस्तान दूर नहीं जी। और आप होंगे उसके जनाबे सदर। खोल दरवाजा, खोल जल्दी। हैंड्स अप, पाओ गाड़ी जल्दी ला। चलो जल्दी चलो पाओ। ओफो जैन साहब, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? के बात है बलवंत जी, बहुत गुस्से में है। अरे कुछ नहीं यार, ये हैरी को लेके बहुत परेशान हूँ जी। उसको छोड़िए, लाला जी को लाया हूँ। अच्छा आओ जी, आ जाओ, आइए आइए लाला जी, बैठिए बैठिए लाला जी। 1 करोड़ से नीचे नहीं आ रहे थे, अभी भी 60 पर अटके हुए हैं। गौतम साहब, ये दशमेश आर्म फोर्स वालों ने बहुत मुंह फाड़ रखा है और इंसानों को मारने से गुरेज भी नहीं करते। 25 लोगों को बस से उतार के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर डाला। आप ही कुछ करें, आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं ये 20 लाख रुपए लाया हूँ, बाकी का कल ले आऊंगा। मेरे मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लाला जी, आप बाकी के पैसों का इंतजाम कीजिए, आपका बेटा आपको मिल जाएगा जी। आप चलिए लाला जी, मैं अभी आ। अच्छा साहब, हाँ सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल जी। गया रा बलवंत जी। भाई आपकी तो जय हिंद। ऐसे ही 1 दर्जन घर और हैं हमारी नजर में। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं लखपति और आप करोड़पति बन जाओगे। काम करेंगे हम लोग और बदनाम होंगी ये दशमेश आर्म फोर्स वाले। ये बात कही। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मुर्गा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है ठीक है। जय हिंद। रघु। हाँ जी बाजी। वो बबले को जाके बोल कि लाले के बच्चे को छोड़ दे, उसका पैसा कल मिल जाएगा उसे। जी ठीक है। और सुन, ये फार्म हाउस में जाके देख के हैरी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ चले गए ये लोग? बैठो, बैठ बैठ साले, कानपुर मुझे छोड़ दे। वो लोग भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए होंगे, क्या तुमने उन्हें बख्शा था? नहीं बख्शा था तो हम कैसे बख्श दे। Oh!
रोशन। हाँ दशमेश आर्म फोर्स का लेटर हेड दे मुझे। ये लो। तब तो हमने यहां किसी बस मुसाफिर को नहीं मारा था, लेकिन आज आज इन दुष्टों को सजा दी है ताजो बाकियों का सबक हासिल हो। चलो बोले सो निहाल। यही है वो नया रंग रूट एसएसपी नरेंद्र कुमार जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। जय हिंद सर। सर ये बलवंत सिंह जी हैं। बहुत बुरा हुआ बलवंत जी, ये दशमेश आर्मफोर्स वालों ने आपके भाई को उसी जगह पे मारा है जहां पे एक हफ्ते पहले उन्होंने 25 बस यात्रियों को मारा था। अब इन दोनों चीजों के बीच में क्या है क्या नहीं है आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे कि इन दोनों वारदातों के बीच क्या। पहले आप मेरे भाई के कत्ल की जांच करेंगे। हमें पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लेकर आपके भाई को उसी जगह पे मारा जहां पर बस कांड हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों वारदातों के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। बलवंत जी, दशमेश आर्म फोर्स से आपकी जान को भी खतरा है, इसलिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं पुलिस छोड़ के जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। चलो भाई। सरदार जी आपका फोन है। हेलो। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, क्या जांबाज नौजवान था आपका भाई। मैंने आपसे वादा किया था कि पंजाब में आग लगा दूंगा आप, लेकिन उसके पहले मैं अपने भाई के कातिलों की जिंदगी में आग लगाऊंगा मलिक साहब। लेकिन आग लगाते वक्त आग से फासला बनाकर रखा जाता है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो जरा गौर से सुनिए। कानपुर में दंगे करवाने वालों में से एक अगले हफ्ते पंजाब आ रहा है, जिसे सब्बा और कानपुरिया ने मारने की कसम खाई है। आप ये पता लगाइए कि वो दोनों ये काम कब और कैसे करते हैं। इसका फेस कवर करो, फेस कवर करो उसका। फास्ट कम ऑन हरिया। ले लिया तेरी मौत का बदला, लेकिन आधा है बदला। वो एक घूम रहा है बाहर, सब्बा, जिसके नाम की बिजलियां सुबह शाम गिरती हैं इस दिल पे। आ जाएगा पाजी, वो भी पगड़ में आ जाएगा। असल में कानपुरिया ही दशमेश आर्म फोर्स का लीडर है। ये सब बात तो कल का रंग रूट है, कहां जाएगा बचकर। आ गया मेरे बेटा, आ गया। बिंदर कहां था अब तक, कब से इंतजार कर रहे हैं। चल अब तो आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा।
तेरी तेरी बहन की शादी है ना, आ चले। चाचा ये तेरा बिंदर नहीं है। नहीं नहीं मेरा बिंदर है। मेरा दोस्त है मेरा, हम सब आएंगे तेरी बेटी की शादी में, चला। मेरा बिंदर नहीं है। चल। मेरा बिंदर नहीं है, मेरा पुत्र आएगा ना। आएगा, मेरा बिंदर आएगा ना। चलो सब्बे। बाबा कौन है ये? ये गुरमुख सिंह, रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। इनका बेटा भी पंजाब के हालात की भेंट चढ़ गया और पूरे परिवार पर कहर बरपा। मां बाप की आंखों के सामने बेटी का बलात्कार हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। मां बेचारी उसके गम में मर गई और ये पगला सा गया। तब से ये किसी को भी अपना बेटा बिंदर समझने लगता है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। मुझे तो चिंता हो रही है ये सब्बा क्यों नहीं आया कानपुरी का पता करके। कोई आ रहा है। सब ठीक है ना? वो कानपुरिया पाजी ठीक है? वो मैंने खुद भी पता किया है और अखबार में भी नहीं छपा है। पुलिस ने अभी तक कानपुरिया को ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम बाजी हार रहे हैं सरब, बंदूकें तनिए कानपुरिया पाजी पर, पुलिस कभी भी गोली चला सकती है। उससे पहले हम उनके पांव की जमीन नहीं हिला देंगे, हम दिल्ली जाएंगे। मैंने पाल से दिल्ली बात कर ली है। इन हालात में दिल्ली जाना जानबूझकर मौत के मुंह में जाना है? कभी कभी जिंदगी मौत से शुरू करनी पड़ती है किंदे। इस दिल्ली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस दिल्ली ने हंसाया था, इस दिल्ली ने रुलाया भी था। अब यही दिल्ली बनेगी मेरे यार की रिहाई का सबब। मैं अपना कोई भी फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहता मुस्कान। अगर तुम पंजाब जाना ही चाहती हो ठीक है, जाओ। मैं पंजाब जा रही हूँ सरब। पंजाब जाने के नाम से पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आना नहीं। जिस होटल में पार्टी है ये रहा उसका नक्शा। हाँ यही है उस जगह का नक्शा। ये एंट्री पॉइंट, ये बैंकेट हॉल जहां पार्टी होगी, और ये सीढ़ियां और साथ में लिफ्ट। ये पार्टी कल दोपहर स्वीडन का राजदूत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहा है। ये रहे आपके इनविटेशंस। आप दोनों वहां मिस्टर एंड मिसेस सियाल बनकर जाओगे। और याद रहे मलेशिया में आपका टिम्बर और रबर का बहुत बड़ा कारोबार है। और ये रहे तुम्हारे विजिटिंग कार्ड्स। और ये रहा हमारा टारगेट, स्वीडन का राजदूत स्टीफन ग्रैडिन। फैंटास्टिक पार्टी, आई लव इंडिया। माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वेरी फाइन, वेरी फाइन। Doctor, my dear friend. How are you? How is the patients? Absolutely all right. Including myself. Meet my friend. Hello, my name is Happy. Happy? All the time happy or some of the time happier? Good afternoon, Mr. Happy. Stephen. Ah, good afternoon, my young people. I'm Vinay Sayal. Ah, nice to meet you, Mr. Vinay Sayal. And this is my wife, Nina Sayal. No problem, I hope? No problem, sir. I'm charmed to meet you. Namaskar. Namaskar. You know Hindi? Tora. Will you come with me for a minute? If you insist. We will talk business. Yes. If you insist, ma'am, it'll be a pleasure to go with both of you. Please, sir. Excuse me, Dr. Saab. Yes. Mr. Happy. Please. Yes. And what is your business, Mr. Sir, Sayal? Sir, we run a business in Malaysia. Hmm? And we deal in
Timber and rubber. That's very good. Very good. Does she help you in your business? Yes, yes, yes. That's very nice. Sir, I would like to show you a very good product and a very popular product in Punjab. If it's very popular, I must see it, especially in the Punjab. Also very, very secret. Oh, very secret, huh? Yes. What is it? Take this. What is it? This is a bomb. And if you move an inch, she has the remote and she will press the button and pop, blown into pieces. Come with me. Come with me, Mr. Stephen. What do you want from me? I want you to come with me and follow me. Come, come, come in the lift. Chalo, Pal. Jaldi, jaldi, chalo. Chalo, chalo, nikalo yahan se. पंजाब के आतंकवादियों ने स्वीडन के राजदूत को किडनैप कर लिया। Do you think this is a joke? You are kidnapping an ambassador. This is an international crime. You two can be killed for this. Do you understand? You two can be killed for this crime. Will you stop? Shut up. This is fake, but this is real. वो मिस्टर स्टीफन की रिहाई के बदले अपने साथी को रिहा करवाना चाहते हैं। जी, हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चौकसी बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर हमने हरियाणा के डीजीपी को इन्फॉर्म कर दिया है ताकि किसी भी सूरत में ये आतंकवादी पंजाब ना पहुंच पाए। स्वीडिश एम्बेसडर की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी सर। आप पंजाब के डीजीपी को कहें कि वो तेजेंद्र कानपुरिया को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। ओके। क्या हुआ? इसका रिले उड़ गया यार। क्या रिले उड़ गया यार? ऐसे मौकों पे ऐसी गाड़ी लेके आते हैं, बकवास कचरा डिब्बा। पता नहीं चलते चलते क्या हो गया इसे। गाड़ी तो मैं अच्छी तरह से खाल कच्ची लेकर आए थे। शांति रखो, हम ऐसा करते हैं, स्टीफन को खेतों में छुपाते हैं, तब तक आप लोग गाड़ी का इंतजाम करो। अरे नहीं, यस, वो देखो सामने। पॉल, समझ गया ना? चलो, हाँ, ये रखो तुम और स्टीफन को लेकर आओ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। सोनिया, सोनिया, जल्दी आ। हेलो, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, जल्दी लाओ इसे, जल्दी, जल्दी चलो, फास्ट। अरे बिठाओ इसे अंदर, जल्दी, पाल, जल्दी आओ इधर, पाल, ये लो चाबी और जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी, हाँ, हाँ, जल्दी चलो, वो सामने सीधे निकलो, सीधे। मुस्कान सर, तुम ठीक हो ना? सरफ जिंदा, सोनिया सरफ जिंदा है, सोनिया सरफ जिंदा, सरफ जिंदा, मेरा सरफ जिंदा। थोड़ी देर के लिए आप यही समझ लीजिए और आप मुझसे बात कीजिए। समान। सरफ जिंदा है, सरफ जिंदा है। ठीक है, ठीक है। समान सारा चोरी हो गया? जी। पर्स भी ले गए? जी हाँ, वो भी ले गए। ससुरे, फिर तुम्हारा भी नुकसान कर गए। कौन सर है? जनाब, 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 जी, पर्स, पर्स का नंबर बोल, पर्स का नंबर बोल। पर्स का? नहीं, गाड़ी का नंबर बोल। DLC 0638। DLC 0638। अमन, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो इतनी देर क्यों हो गई? गाड़ी की वजह से हो गई। किंदे, किंदे, हाँ, यहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है यहाँ पे। मेरे पास ये हरियाणवी कपड़े हैं, हम सब लोग बदल लेते हैं और फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ पाल, रमन, हाँ, तुम लोग दिल्ली जाकर गवर्नमेंट का रिएक्शन पता करो। ठीक है। अच्छा हाँ, जाने से पहले गाड़ी ऐसी जगह फेंक कर जाना साली, मिले ना किसी को। ओके, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो भूचाल कहाँ है जिससे दिल्ली हिलानी है? पूछा क्या? मैं समझा नहीं। अरे जिसको अगवा करके लाए हो। तुम भी अजीब किस्म की बातें करते हो। अरे लाली, तुम यहाँ? स्टीफन कहाँ है? स्टीफन,
माय गॉड, स्टीफन कहाँ है? स्टीफन, स्टीफन, ओए सेवादार, जो प्लीज, ये कैसे आ गया नंगे सर अंदर? तुम लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं? ये अंग्रेज तुम्हें अंदर आता हुआ दिखा नहीं क्या? अरे भाई, trying to tell you, my life is in danger. I need your help. Shut up, shut up. भाई तुम कौन हो? वो मैं दोस्त, वो क्या? मैं बताता हूँ, मैं सत श्री अकाल सतनाम सिंह जी. ओ किंदे, ये मेरे दोस्त हैं जी. ये बाहर से आए हैं और ये इनके गोरे दोस्त हैं, अभी अभी विलायत से आए हैं. हाँ. बाबा जी जरा हमको जल्दी है. ओ जल्दी क्या है, जब आ ही गए हो गुरुद्वारे में तो अब लंगर छक कर जाना, नाले इस गोरे को पता चले गुरु मर्यादा क्या है. आओ आओ मेरे साथ चलो, आओ चलो किंदे, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ. इस देश में सिक्योरिटी नाम की चिड़िया है भी? सर यहाँ एक विदेशी डिप्लोमेट को कितनी आसानी से किडनैप कर लिया जाता है. जी हाँ, और अगर नैतिक जिम्मेदारी जिंदा है तो होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए. होम मिनिस्टर रिजाइन देंगे या आतंकवादी पकड़े जाएंगे? देखिए उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है उन्हें अच्छी तरह से मालूम है. इस वक्त हमारी प्रायोरिटी स्वीडन के राजदूत की सेफ्टी है. सबे, इनसे कहना खाए, नहीं तो इन्हें शक हो जाएगा. अरे जानते हैं मुझे, पड़ोसी है मेरे. मिस्टर स्टीफन, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज. देन टेल मी, who are you and why have you kidnapped me? Okay, I will tell you my story. Your story must be heard by everyone. And I will help you tell it. आगे कौन आ गया? अरे 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 अरे, दिखाई नहीं देता, लाइन तोड़ के आगे आ रहे हो. अरे थारी लैंड देखो जो अपना बापू जो पीछे पे मार पड़ा है. रे हमारे होते हुए तो गुंडागर्दी करेगा के? ओ नहीं जनाब, नहीं नहीं नहीं, थारे होते हुए हम क्या गुंडागर्दी करे, वो मारा बापू बीमार है. थारा बापू? ओ नहीं, मारी लुगाई का बापू बीमार है. और ऊपर. हाँ भाई, और ऊपर, और ऊपर, शाबाश. जो फोन तुमने मुझे शाहबाद से किया था, अगर तुम मुझे दिल्ली से करती तो मैं तुम्हें यहाँ आने की इजाजत कभी नहीं देता, वो भी बाय रोड. तुम्हें तो यहाँ के हालात मालूम है मुस्कान. अरे जनाब जी, वो बुड्ढा तो वाकई बहुत बीमार है. बहुत बीमार है, पर ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? कानून तोड़ा है इन्होंने, कानून. लेन तोड़ के गाड़ी छोड़ के आगे आयो आगे. साहब जी, ईमानदारी का सिला हम ये दे सकते हैं, रख लो. अरे अरे भाई, बहुत गर्मी है भाई, जान दे इनको. तो मतलब ये लोग गाड़ी यहाँ छोड़ के पंजाब में घुस गए किसी तरह? जी. तो ऐसा करते हैं, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है ना, कौन सा, शंभू बॉर्डर, वहां चलते हैं. देखो तस्वीरें उनकी, शायद तुम्हें दिख जाए. यस सर. हरनाम. यस सर. अगर यहां से नहीं गए होंगे तो कहां से गए होंगे? ओए राजेंद्र. जी जनाब. ओए ओए, ये तस्वीरें तो जानी पहचानी लग रही हैं. ओए जनाब, ये तो वही छोरी है. साहब ये तो अभी अभी गए टेम्पो में. टेम्पो का नंबर क्या? नंबर और जल्दी बताओ. HRM 1063 सर. सर. हाँ भाई, पिछले आधे घंटे में कोई टेम्पो निकला यहाँ से? HRM 1063. कोई टेम्पो नहीं क्या सर? हाँ, वहां से निकला है, यहां से नहीं निकले. इसका मतलब वो यहीं कहीं है.
कौन बता सकता है? बता, खोल दे अपनी जबान, और जब तक तू जबान नहीं खोलेगा ना, मैं तन्ना मरना नहीं देने वाला हूँ। बता कहाँ छुपा कर रखा है स्वीडन के राजदूत को तन्ने? अरे क्यों गंदे नाले की लाश बनना चाह रहा है हमारे हाथों? बोल बोल। एकमकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय। तरफ पाठ कर आग बंद कर तू। ये नहीं वो बोल जो मन ने थारे से पूछी है। बोल बता। ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो उस साले को, मारो, तोड़ो उस साले की हड्डियां, मारो। बोल 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 बोल। सर ये तो बेहोश हो गया। क्या हुआ, कुछ बताया इसने? कुछ नहीं बोलिया सर, तीन बार बेहोश हो गया है। अब भी अगर ये नहीं उगलेगा ना, तो मैं साले को जान से मार गिरूंगा। और मार तो डालेगा, वहां अगर स्वीडन के राजदूत को मार दिया तो फिर क्या करेगा? ये कोई तरीका पूछताछ का? और इनसे कैसे पूछताछ करें सर? अजी ये साले हार्डकोर टेररिस्ट हैं, आपको क्या लगता है लाड़ प्यार से बता देंगे सब कुछ? शायद आप एक जिम्मेदार अफसर की तरह बात करो, ना दिमाग है ना काबिलियत। अपना एटीट्यूड ठीक करो, वरना तुम्हें डिसमिस होते देर नहीं लगेगी। पूछने के और भी तरीके होते हैं, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। सड़ा दो टके का लौंडा मारे को ज्ञान देने चलिया है? अरे ये आतंकवादी हैं, इन सालों के जूते नहीं उड़ाएं तो क्या इनके साथ छोरियां सुलाएं? बातें बढ़ा रहा है। बताओ एक काम, तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। चेकपोस्ट के सामने से वो बंदे निकल के चले, किसी कुछ पता ही नहीं चला। वापस ऑफिस जाएंगे। उसका क्या पता तुम होटल में भी नहीं थी, मैंने तुम्हारे लिए दफ्तर में भी फोन किया, सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस मुझे जो स्वीडन के राजदूत हैं उनके बारे में कुछ पता चला, या जिन्होंने अगवा किया उनके बारे में कुछ पता चला होगा। लेकिन उसका ये उग्रवादियों के बारे में जानने में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है? यकीन रखो जो मैं ढूंढ रही हूँ उसे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। क्या तुम मुझे कानपुरिया से मिलवा सकते हो? कानपुरिया, कानपुरिया को पार लगा दो, स्टीफन का मामला अपने आप सुलझ जाएगा। अजी वो विक्रमादित्य की औलाद सारा बोधा एसएसपी कुछ करण देगा तब ना। पाजी दशमेश आर्म फोर्स के एक आदमी को हमारे मुखबर ने रेतगढ़ के पास देखा है। वो सारे के सारे हराम खोर हैं इसी इलाके में, लेकिन किस गांव में किस खेत में, इन भगोड़ों को ढूंढ के काटना ही पड़ेगा। But I think, my friend, I think I can defeat you like this. Check and mate. ओ पाहू ये स्टीफन से भी हार गया। ओए वो तो ठीक है, पर तू नीचे कैसे आ गया? अरे बाबा ने घर ही ऐसा बनाया कि पुलिस इस जेल में तो नहीं ढूंढ सकती। चिंता मत कर, ओ जल्दी कर, तू लेट हो रहा है। हाँ सभी को भेजता हूँ। सबक आए अंदर। वन मोर राउंड है। किंदे तुम इनसे हार गए? हम ही से सीखा और हम ही को दे दी मात। जवाब नहीं है इस गोरे के दिमाग का, तभी तो 200 साल हम पे राज किया है। हाँ किंदे राज अंग्रेजों ने किया था, ये तो स्वीडन के हैं। स्वीडन? मुझे तो सब गोरों की शक्लें एक जैसी लगती हैं। पूछ इससे, कुश्ती लड़के दिखाए तो जानू, तोड़ मरोड़ कर अगर गांठ ना बना दी तो सारी उम्र के लिए मूछें नीची कर लूंगा अपनी। यूं आंखें फाड़ कर मत देखो, ये डर जाते हैं। अरे लाली इसे देखकर तो सभी डरेंगे। ड्राइंग जैसी आंखें हैं इसकी। ले मत खा ले, मत देखा कर ऐसे तू। ये बेचारा लाल बंदर तो डरेगा ही, ले खा ले। ओह थैंक यू, दिस इज नूडल्स। नूडल? अरे भाई ये नडल शडल नहीं है, ये सेमिया है। सेमिया? सेवी यू सेमिया सेविया विया। क्या खाना होता है ये मुझे पहले से ही बता दिया कर। सफेदा नहीं बहन, स्टीफन 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 सफेदा सफेदा। इसी से चला लेंगे काम, चला लेंगे। अच्छा आज तो इनके लिए
सवैया ठीक रहेंगी और कल इनके लिए वो नड्डल बना लेंगे। नड्डल नड्डल बड़ा नाम सुन रहे हैं सबे, ये कौन सा असला होता है? ये लपेट लपेट कर मुंह से खाने वाला असला होता है। ओ भाई किंदे, हंसता रहेगा, जाना नहीं है, चला बाबा। सीविया अच्छा हाँ किंदे, तुम जाओ और जाकर दिल्ली में पाल को फोन कर देना कि वो मिनिस्ट्री को अल्टीमेटम दे दे कि कानपुरिया को 48 घंटों के अंदर छोड़ दें, नहीं तो हम स्टीफन को गोली मार देंगे। ठीक है ठीक है। और हाँ, अल्टीमेटम देने के बाद वो तुम्हारे पास आ जाए कल, और तुम परसों उनको लेकर यहां आ जाना हमारे पास। ओके ठीक, जाओ जाओ किंदे, ये दे दो मुझे। अगर जिंदगी दगा दे जाए तो मौत से दोस्ती कर लेना मेरे दोस्त। कानपुरिया, तुझसे कोई पत्रकार लड़की मिलने आई है? मुस्कान, तुम अभी जिंदा हो? सभ्य से मिली तू? जिंदगी ने एक बार फिर धोखा दे दी। मैंने तो उसे पहचान लिया था लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। वीर जी, मैं उसे मिलना चाहती, कहाँ मिलेगा वो? पिछले 5 दिनों से पुलिस यही सवाल कर रही है। उनके डंडे टूट गए लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी। लेकिन मैं मिलवाऊंगा तुम्हें, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें। सरब सरब, तुमसे कोई मिलने आया है। यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ भी कोई नहीं है साहब। अरे वो सब यहीं दुबक के बैठे होंगे। अरे खड़े खड़े मेरा मुंडा क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। तुम ही लोगों ने उनको सालों को छिपा करके रखा है। काटो बार, नहीं तो मैं सारे गांव वालों को जूं तोड़ूंगा। पौधे कहीं के सर। अरे जल्दी करो, जल्दी तलाशी ले लो, दूसरे गाँव भी जाना है। अरे तुम जिंदा हो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो मुस्कान, शादी कर लो, अपना घर बसा लो बस। जो ख्याल तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी मेरे दिल में नहीं आया वो तुम्हें जिंदा रहते कैसे आ सकता? लौट आओ सरब, या फिर मैं भी तुम्हारे साथ उसी रास्ते पे चलूंगी। तुम नहीं चल सकती मुस्कान। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मेरे साथ कोई और चल रहा है मुस्कान। लाली, लाली जो तुम्हें इस कमरे में मेरे पास लेकर आई वो मेरे साथ चल रही है। सब्बे, पुलिस घर घर की तलाशी ले रही है, हमें अभी ये घर छोड़ना होगा। कमिंग ऑपरेशन? हाँ जल्दी करो, अभी फौरन। चलो चलो मुस्कान, जल्दी चलो मेरे साथ। दारो, सब कुछ अच्छी तरह से देख लो, पुलिस को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ थे। रोशन, वहां देखो जाकर। भाऊ हाँ, AK-47 SLR और ये सारा असला ले लो, यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, खाली कर दो। रोशन, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ अभी तक तो सब ठीक है। ओके। तारो, तारो बहन। हाँ सबे। मुस्कान को शहर तक हिफाजत से पहुँचा दो। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते मुस्कान। ये मेरा सोचा समझा हुआ फैसला है सरब, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि पुलिस हमें यहां घेर ले और गोलियों से छलनी कर दे तो हम नहीं जाएंगे। सुना आप सबने, हम नहीं जाएंगे, हम यही लड़ेंगे और यही मरेंगे बस।
मुस्कान, आई एम सॉरी। हो सके तो जाकर दादी से मिल लेना, तुमसे मिलकर उन्हें हौसला मिलेगा। प्लीज। चलिए हम अभी चलेंगे इसी वक्त। तुम लोग रमन, कोई बुरी खबर है? हाँ, अल्टीमेटम देने के बाद जब हम उसके गांव पहुंचे तो गुरुद्वारे से सुराग लेती हुई पुलिस किंते के घर को चारों तरफ से घेर चुकी। पकड़ो, आगे से घेरो उसको। फायर नहीं करेगा कोई। हाथ ऊपर करो, निकालो मुझे। Lord have mercy. हे सच्चे बादशाह, कब खत्म होगा ये खून खराबा? इकलौता बेटा था, कैसे सहेंगे ये दुख? उसके मरने का दुख है हमें, लेकिन उसकी मौत से हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन एसएसपी ने हमें जिंदा पकड़ने की कसम खाई है। वो खुद जिंदा रहेगा तब ना। रामजादे ने किंदे को मार डाला, अब छोड़ना नहीं है भाऊ, उसको छोड़ना नहीं है। क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ साहब। तो यहां क्या कर रहे हो? वहां जाकर देखो। चलो जी, चलो मेरे साथ चलो। यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वहां जाकर देखते क्यों नहीं क्या हुआ? चलो सर, आपकी सिक्योरिटी। मेरी सिक्योरिटी गई? भाड़ में जाके लोगों को देखो। चलो फास्ट, कम ऑन, चलो जल्दी फास्ट। मुस्कान तुम आओ मेरे साथ। हिलना मत। नहीं ना, हटो। सरब, यहाँ? मैं वो यहाँ। ऐसा करने की सोचना भी मत। नहीं नरेंद्र, गोली मत चलाना, ये सरब है। सरब, ये नरेंद्र है जिसके बारे में मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में बताया था। नरेंद्र, बहुत गलत रास्ता अपना लिया तुमने सरब जी। कत्ल, लूटपाट, यही पेशा हो गया ना तुम लोगों का? वो लोग हम नहीं हैं। तो फिर हथियार क्यों उठा रखे हैं तुमने? गुनहगारों को सजा देने के लिए, जिन्होंने दंगे किए, घर चलाए, बेकसूरों को मुजरिम बना डाला। उनके गुनाह तुम पुलिस वालों को नजर नहीं आते? उन सबको सजा देने के लिए हमने हथियार उठा रखे हैं। खुद ही कानून, खुद ही अदालत, खुद ही जल्लाद, ये कोई हल नहीं है सरबजीत। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपने हथियार डाल दो, लौटाओ। तुम मेरा बीता हुआ कल लौटा दो। दंगों में जलकर मरी मेरी मां, दुल्हन बनी मेरी बहन, मेरा मासूम छोटा भाई सनी, वीर चक्र जीतने वाले मेरे पिता की जिंदगी लौटा दो, मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दो, मैं लौट आऊंगा मेरे दोस्त। देखो सरब, खुद रब भी चाहे तो बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, मगर तुम इतनी दूर भी नहीं गए हो कि लौट के वापस ना आ सको। मुस्कान, मैं ऐसे रास्ते पे चला गया हूं जहां से लौट कर आना मुश्किल है। भूल जाओ सब कुछ। नरेंद्र, हमें 2 दिन के अंदर कानपुरिया की रिहाई चाहिए। और अगर ना हुई तो? ना हुई तो तुम्हारे लिए स्टीफन की जिंदगी बचाना उतना ही मुश्किल होगा जितना आसान है हमारे लिए मरना या किसी को मारना। सरबजीत, मरने मारने की बात तब आती जो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तुम यहां से नहीं जा सकते, आई हैव टू अरेस्ट यू। अगर मैं यहां से जिंदा लौटकर वापस ना पहुंचा तो तुम्हें स्टीफन की लाश भी नहीं मिलेगी। याद रखना, 2 दिन के अंदर कानपुरिया की रिहाई चाहिए।
मैं आतंकवादियों से किसी भी किस्म की सौदेबाजी के सख्त खिलाफ हूँ। आप मुझ पे भरोसा तो करें, थोड़ा वक्त तो दें सर। हमें आप पर भरोसा है लेकिन आतंकवादियों पर नहीं। उनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम पर दबाव है, हमें हर हाल में मिस्टर स्टीफन को रिहा करवाना है। एम आई राइट जेंटलमैन? जाइए, उनके डिमांड्स पूरी कीजिए और मिस्टर स्टीफन को रिहा करवाइए। प्लीज प्लीज जाइए। हाँ नरेंद्र सर बैठो। मैं सीधा दिल्ली से आ रहा हूं, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी। बैठो। फैसला हो चुका है, मिस्टर स्टीफन के बदले कानपुरिया को छोड़ना पड़ेगा। कानपुरिया ग्रुप को इन्फॉर्म करने का तुम्हारे पास क्या जरिया है? दिल्ली के एक न्यूज़पेपर एजेंसी है सर, उसकी पंजाब की कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसका नाम मुस्कान है। क्या उस पर इतना भरोसा किया जा सकता है? यस सर। ओके देन डू इट। साथ में कोई नहीं है? सब ठीक है? चलो भाई। Now, Mr. Stephen, time has come to say goodbye. My young man, never forget that you and you alone can make your own destiny. And I want to tell you something also. Now I am not afraid of your mucche. And my lovely young lady, may life give you all the happiness you ever desire. Now, we are coming! Bye. Sat Sri Akal. सर क्या हमें यही रहना चाहिए गाड़ी के पास ही? अपने काम से मतलब रखो। सर 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 सिक्योरिटी के हिसाब से हमें आगे नहीं जाना चाहिए। शट अप, तुमसे मैंने कहा ना जाके गाड़ी में बैठो। कानपुरिया चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में नहीं बैठ सकता था सर। तरस गए थे मेरे यार तुझसे मिलने के लिए, मेरे शेर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ भी नहीं सकता। अच्छा ये स्टीफन ग्रेडिन स्वीडन के राजदूत जो तेरे बदले अगवा किए थे। माय गॉड, ये आवाज कहां से आ रही? आवाज? हाँ आवाज। क्या हुआ कानपुरिया? ओ ब्लरी हेल, इट्स अ बॉम्ब। मिल तो सही। चलो गाड़ी के पास से हटो, इसमें बॉम्ब है। चलो हटो हटो। बाबा क्या हुआ? मार दिया। क्या हो बाजी? होना क्या था, एक ही झटके में सबका सबका सफाया हो जाता। ऊपर से मलिक साहब खफा हो रहे हैं, स्टीफन को मार के इंटरनेशनल न्यूज बना सकते थे, और ये सब कुछ उस ड्राइवर की वजह से हुआ। कहां है उसकी फैमिली? हमारे कब्जे में है पाजी। मार डालो उसे। मैं मलिक साहब के बुलावे पे पाकिस्तान जा रहा हूं।
हो सकता है हमें कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़े, तैयार रहना। पाकिस्तान, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे। आओ आइए, पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारी मुलाकात का मकसद मास्टर प्लान को पूरा करना है। हम साथ बैठकर सारे इंतजामात पूरे करेंगे। इस बार तो आप नेपाल से दुबई होते हुए यहां पहुंचे हैं, पर अगली बार ये सरहदें नहीं होंगी, आपका अपना आजाद मुल्क होगा खालिस्तान। अभी तो ये दूर का ख्वाब है मलिक साहब, हमारी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोग हमारे खिलाफ पुलिस को मुखबरी करने लगे हैं, हथियार उठाकर हमारे खिलाफ लड़ने लगे हैं जनरल साहब, यहां तक कि ये प्रेस भी हमारे खिलाफ जहर उगलने लगी है। हमें और हथियार और ट्रेंड हथियार चलाने वालों की जरूरत है मलिक साहब। हमने आपके भेजे हुए रंगरूटों को एक जाबाज गुरिल्ला बनाया है, उन्हें कारें, इमारतें, पुल उड़ाने में और खतरनाक हथियार चलाने में माहिर बनाया है। हमारे ये मुजाहिद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप इन प्रेस वालों को समझाइए, इन सियासतदानों और दानतमंदों को सजा दीजिए और गैर सिखों को चुन चुन कर मारिए, फिर देखिए कैसे कांपती है भारत सरकार। देखिए क्या हो रहा है, जाइए कुछ कीजिए। खून से सने ये कपड़े भेजकर हमें संदेशा दिया गया है कि अगर पंजाब की धरती पर पैर भी रखा तो कत्ल कर दिए जाओगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, न झुकेंगे, चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। बाबा नानक ने कहा है, एती मार पई कुल लाने तें की दर्द ना आया, उसे दर्द आएगा जरूर, पंजाब की पुकार वो सुनेगा और इस आतंक का अंत होके रहेगा, इस आतंक का अंत होके रहेगा। उड़ा दो उनके ढोंगी धर्मगुरु को, पंजाब की जमीन पर उनके पैर पड़ते ही भून डालो उन पदयात्रियों को, ताकि पूरी दुनिया में यह पैगाम पहुंच जाए कि पंजाब की सरजमीन पर उनका कोई काम नहीं है। जो काम ऑपरेशन बुलिस्टार इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर के कत्ल के बाद नहीं हो पाया, वो काम इस कत्लेआम के बाद होगा। उन पदयात्रियों के बदले में पंजाब के बाहर सिख मारे जाएंगे और पंजाब में हिंदू, फिर होगी हिजरत, माइग्रेशन। ऐसे ही पाकिस्तान बना था, ऐसे ही बांग्लादेश, और अब बनेगा खालिस्तान और फिर कश्मीर। हमारा सबसे बड़ा ख्वाब। लेकिन ये सब इस तरह नहीं होगा, बहुत कुछ करना होगा। आइए आइए बलवंत सिंह, मैं बताता हूं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या हुआ सर? अब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुबह से कानपुरी और रमन गए हथियार लेने, अभी तक नहीं आए। पाल और बाबा भी नहीं आए फौजियों की वर्दी लेकर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा लाली। सुबह से ही दयांग फटफड़ा रही थी और अब ये दूध का गिलास भी गिर गया, ये अच्छे शगुन नहीं है सर। अच्छे शगुन कैसे नहीं है लाली, दादी आ रही है और घबराने की बात नहीं है, मुस्कान लेकर आ रही है, सुखी भी साथ में है। दादी
आखिर आ ही गया पकड़ में। घेर लो चारों तरफ से। तुम लोग इधर से जाओ, तुम उधर से। शेर समझता था अपने आप को, ये पड़ा मरा हुआ। यार तो ले आए मेरे दोस्त। रमन, मगर एक और जिंदगी कहाँ कहाँ से लो। कानपुरिया, 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 कानपुरिया। रब्बा, कान। तू चला गया मुझे छोड़कर मेरे भाई। तूने वादा किया था मुझसे, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, मौत का इम्तिहान साथ में देंगे। फिर ये वादा खिलाफी क्यों की, क्यों की बता मुझे। ये जंग लड़नी है हमने, तेरे बगैर मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा मैं। ना पुत्र, एक योद्धा की मौत पर मातम नहीं गर्व किया जाता है। ये तो अपने असूलों के लिए जिया भी और मरा भी। ये रोने का वक्त नहीं है सबे, दुष्टों का नाश करने का वक्त है। कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनास्थाय संभवानि युगे युगे। हिरण में रब जूझ पड़ो, अति हिरण में तब जूझ पड़ो। मैंने पहुंच डाले हैं, आप लोग भी पहुंच डालिए ये आंसू। कानपुरिया और रमन की मौत ऐलान है जंग का, और उनके कातल चाहे सरहद पार की हों, पगड़ी पहने हों या तिलक लगाए हों, बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी मौत यकीनन है, हम मारेंगे उन्हें और वो मरेंगे, उन्हें हम मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंजाब की पावन धरती पे आपका स्वागत है गुरुजी, पधारिए। ईश्वर करे पंजाब में सुख शांति और सद्भावना जल्दी लौट आए। जय श्री राम। जनाब, साहब आ गए। तुम्हारी ड्यूटी मैंने वहां पर लगाई है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर ये वायर देख रहा था मैं, पता नहीं कहां से आ गई है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। पंडाल की तरफ जा रही पदयात्री,
उस तरफ जाओ, इस वायर को फॉलो करो, वहां पर तुम्हें कोई देखे जिसमें तुम्हें शक हो उसको गोली मार दो। रुकिए आप लोग, चलो मेरे पीछे आ जाओ, ध्यान से। चलिए हटिए, पीछे शहरी को खाली कीजिए, हटिए। ये वायर झाड़ियों की तरफ जा रही है, हटिए यहाँ से। चलो चलो आप, हटाओ हटाओ। हेलो चार्ली वन, चार्ली वन, हैंड्स अप। ये उसके पहुंचने से पहले ब्लास्ट कैसे हो गया खासी? रोको इनको, आगे मत बढ़ने दो। ट्रक कहां से आ गया बीच में? चलो और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आइए गुरुजी आइए। बलवंत जी जल्दी कीजिए, सब्बा भार उसके दोस्त इधर आ रहे हैं। आओ जल्दी, गुरुजी जल्दी कीजिए प्लीज। चलो यार क्या कर रहे हो, बैठो, चलो गाड़ी चलो चलो। गुरुदेव को लेकर जा रही है ना, वहां पर पहले से जनरल मलिक ने कब्जा कर लिया है। पदयात्रियों पर हमला हो गया। दोस्तों हमें दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। तुम पदयात्रियों को बचाओ, मैं धर्मगुरु को बचाता हूं। वरना गोली मार दूंगा। सुखे गोली मत चलाना, तू जानता है मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन हार जाने का डर है मुझे दोस्त।
सुखे देख क्या रहा है, गोली चला। गोली चला सुखे, लेकिन दुश्मन पर, दुश्मन तुम्हारे सामने है सुखे। अगर ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तो तुम्हें तुम्हारा खालिस्तान नहीं मिलेगा। कौन सा खालिस्तान? ये ISI के एजेंट खालिस्तान के नाम पर कश्मीर हथियाना चाहते हैं। विदेशों की खैरात पर पलने वाले ये किसी को धोखा और मौत के सिवा दे ही क्या सकते हैं। आज पंजाब में आग लगी हुई है मेरे दोस्त, सुहाग ने विधवा हो रही है, माओ से उनके बच्चे छीने जा रहे हैं, घर घर में मातम है, सुखे घर घर में विलाप। अगर तुम चाहते हो इन सब बातों का अंत हो, इन दुष्टों का अंत हो, तो मुझे हथियार दो। ले सबे पलवान। हो गया बल्लू, अब कर तैयारी ऊपर जाने की। अरे हाँ, यारो हो गया, हो गया साले का जैन। ये देख मैं थारी लाश पर पांव रख करके खड़ा हूं, जिंदा असली मरद का बच्चा है तो साले मार बने मार साले मार। कौन थे ये लोग? आतंकवादी, गुमराह या गुनेगार? ये जीना नहीं चाहते थे या उन्हें जीने नहीं दिया गया? कौन लेकर गया उन्हें हिंसा के रास्ते पर? आतंक के उस खौफनाक दौर में 65,000 से ज्यादा मरने वाले लोग लावारिस तो नहीं थे? लाशों को जला देने से या दरिया में बहा देने से उनका वजूद खत्म तो नहीं हो जाता? ये सच है कि जख्म खुरीदने से कुछ हासिल नहीं होता, मगर गलतियां दोहराने के नतीजे
और भी भयंकर हो सकते हैं। ये एहसास दिलाना ही हवाई का मकसद है। अंकल प्लीज। आइए आज हम संकल्प लें कि दोबारा ऐसी गलतियां ना करें जिनसे कहीं भी किसी आतंकवाद का जन्म हो। ईश्वर ना करे ऐसी हवाएं दोबारा चलें। Oh,